ते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारतीय संविधान एवं आरक्षण के तहत। और एक बात मैं साफ कह देना चाहती हूं कि लोग कहते हैं सावित्री बाई फूले भाजपा की हैं। भाइयों बहनों, मैं भाजपा की नहीं हूं, मैं बहुजन समाज की बेटी हूं। अगर आज सांसद हूं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के तहत सांसद हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था दिया था, उस समय भी उनका एक सोच था कि भारत के संविधान के तहत आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाएं जब सांसद विधायक चुनाव जीत करके आरक्षण के तहत लोकसभा विधानसभा में पहुंचेंगे तो लोकसभा में पहुंच करके भारत के संविधान को लागू कराएंगे, आरक्षण को लागू कराएंगे और बहुजन समाज का जो दिया गया अधिकार संविधान में है उसको संपूर्ण रूप से वो लागू कराने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज लोग सांसद विधायक आरक्षण के बदौलत संविधान के बदौलत जो जीत करके लोकसभा विधानसभा में पहुंचते हैं वो तल के तलवा चाटने के लिए पहुंचते हैं, वो बहुजन समाज की बात संविधान के आरक्षण की बात नहीं करते हैं। मैं तो कहना चाहती हूं कि जो लोग सांसद विधायक बनकर के लोकसभा विधानसभा में पहुंचे हैं वो संविधान आरक्षण को लागू कराएं, बहुजन की बात लोकसभा विधानसभा में उठाने का काम करें, दल का तलवा चाटना बंद कर दे। और वरना दल का तलवा चाटते चाटते भारत के संविधान लागू हुआ है तब से लेकर आज तक भारत का संविधान लागू तो हुआ लेकिन केवल संविधान का ढांचा लागू हुआ, संविधान में दिया गया कानून बहुजन समाज के लिए आज तक लागू नहीं किया गया। भाइयों बहनों, भारत का संविधान दुनिया के संविधान से सबसे अच्छा संविधान अगर कहीं का है तो भारत का संविधान है। अगर भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए तो भारत में चिराग उठा करके भी आप गरीबी ढूंढेंगे भारत में गरीबी नहीं पाएंगे। इसलिए देश की आजादी से लेकर अब तक संविधान जब से लागू हुआ तब से लेकर अब तक भारत का संविधान इसलिए लागू नहीं हुआ कि भारत के संविधान को लागू करने वाला व्यक्ति बहुजन समाज का नहीं हुआ। अगर बहुजन समाज का हो गया होता तो भारत का संविधान अब तक लागू हो गया होता। मैं तो कहना चाहती हूं, लोग कहते हैं कि हम जय भीम वाले हैं, लोग कहते हैं हम अंबेडकरवाद हैं, हम अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। मैं भी आप पूछना चाहती हूं कि क्या आप लोग बाबा साहब को मानते हैं, क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं? एक बार हाथ उठाकर आप लोग बताइए हम लोग मानते हैं। हम सभी लोग मानते हैं।